अब मेरी बारी है। इस बार तू हारेगा टाइगर। दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान का वजूद ही मिटा दूंगा मैं। वादा करता हूँ टाइगर। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, क्या चल रहा है? टाइगर 3 चल रहा है भाई साहब। आज मूवी रिलीज हो जानी है कहाँ पर? ओवरसीज में, नॉट इन इंडिया। इंडिया में कल 12 नवंबर यानी दिवाली के दिन रिलीज होने वाली है ये मूवी। तो भाई कल सुबह 6 बजे से ये मूवी रिलीज हो जाएगी और एडवांस बुकिंग में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है भाई, सॉलिड तबाही देखने को मिल रही है भाई। गॉड, कल तक उम्मीद लगाई जा रही थी कि यार मूवी ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस बुकिंग शायद से शायद 15 या 16 करोड़ की कर डाले, लेकिन भाई सिर्फ आज ही ये मूवी 15 करोड़ से ऊपर जा चुकी है और आज का दिन पूरा बाकी है। और आज जिस हाई रफ्तार से ये बुकिंग होने वाली है, आज फुल डे बाकी है, आज नाइट में भी, कल नाइट में इतनी ज़बरदस्त बुकिंग हुई है, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास सिर्फ नाइट में बुकिंग हुई है, वो भी आफ्टर 11 PM। तो भाई साहब रात में लोग सोते हैं ना कि बुकिंग करते हैं, और यहाँ टाइगर 3 के लिए अलग ही क्रेज और पागलपन देखने को मिल रहा है। और भाई सॉलिड, मतलब सलमान खान के कमबैक के लिए लोग काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और डाई हार्ड फैन तो काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो भाई साहब USA, UK एंड UAE में प्रॉपर आज मूवी रिलीज हो जाएगी, कुछ एक गल्फ कंट्रीज में भी हो जाएगी और कुछ एक प्लेस में भी। तो भाई साहब आज का दिन तो बड़ा ही भयंकर होने वाला है, किसके लिए? व्यूअर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर आज बहुत से फेक रिव्यूज भी आएंगे और बहुत से ऐसे रिव्यूज भी आएंगे कि आपको साथ में आसमान पर चढ़ा देंगे। तो एक दिन पहले मैं कह रहा हूँ कि रिव्यू देखना, और इस टाइम पर पब्लिक रिव्यू भी बहुत ज़्यादा आएंगे, तो इस टाइम पर आप देखोगे आपका मज़ा स्पॉइल हो जाएगा। तो मैं कहूँगा आप वेट करें और कल का दिन है जो, उस दिन जाकर मूवी देखें और सॉलिड तरीके से फाड़ें। तो अभी बात करेंगे इस मूवी ने कितना क्या कलेक्शन कर लिया है अभी तक, सुबह 7 से 8 बजे तक इस मूवी ने कितना कलेक्शन कर लिया है एडवांस से, कितना और कलेक्शन ये कर सकती है, मात्र आज का दिन बाकी है, कितना कलेक्शन में ये रुक जाएगी, क्या जवान या पठान के रिकॉर्ड को बीट डाउन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, जो भी होगा सब देखेंगे, एक एक करके डिटेल टू डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 2D हिंदी से इस मूवी ने आज सुबह तक 14,52,00,000 की एडवांस बुकिंग ले ली है और 550,000 यानी 5,50,000 की टिकट इन्होंने सोल्ड आउट कर दिया है आज सुबह तक। IMAX हिंदी से बात करें तो 60,00,000 की एडवांस बुकिंग ले ली है और 9,554 या फिर 55 के आसपास इन्होंने टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। 4DX हिंदी से बताऊं तो 16.46 लाख, इट मीन्स ये कि 16,46,000 या 47,000 के आसपास इन्होंने एडवांस बुकिंग ले ली है और 2,840 टिकट इन्होंने सोल्ड आउट कर दिए हैं। आइस वर्जन की बात करें तो 72,000 की एडवांस बुकिंग इन्होंने ले ली है और 123 टिकट के आसपास इन्होंने सोल्ड आउट कर दिए हैं। तेलुगु से भाई साहब, तेलुगु से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, 25,78,000 की एडवांस बुकिंग और 21,050 टिकट इन्होंने सोल्ड आउट कर दिए हैं। तमिल वर्जन की बताऊं तो 2,74,000 इन्होंने एडवांस बुकिंग अपने खाते में ले ली है तमिल लैंग्वेज से और 3,995 और कुछ ही देर बाद ये 4,000 भी कंप्लीट हो जाएगा, टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। तो भाई साहब ये तबाही देखने को मिल रही है, मतलब साउथ में भी ये अच्छा खासा फाड़ रही है, जबकि सलमान खान की मूवी आई थिंक साउथ में इतना ज़्यादा पकड़ नहीं बनाती हैं। शाहरुख खान जो ग्लोबल स्टार हैं वो हर एक रीजन पर पकड़ बनाने में सफल रहते हैं, सलमान खान की कुछ एक रीजन पर अच्छी खासी पकड़ रहती है, लाइक हिंदी में, हिंदी लैंग्वेज में तो सॉलिड पकड़ बनी ही बनी है। तो टोटल अगर मैं अभी तक बताऊं कि टोटल कितना हाथ लगा भाई साहब, उससे पहले आपको बताऊंगा कि टिकट टोटल कितने सोल्ड आउट कर दिए हैं आज इन्होंने 11 नवंबर सुबह 7 बजे तक, लगभग 5,86,000 के आसपास टिकट उन्होंने सोल्ड आउट कर दिए हैं और टोटल कितना कलेक्शन इनके हाथ में लगा है, 15,60,00,000 के आसपास, और ये अभी कुछ ही देर बाद 16 करोड़ भी हो जाएगा। तो मे बी ये मूवी कितना करोड़ कलेक्शन कर सकती है कि पठान मूवी भी थी जिसने 32 करोड़ का कलेक्शन किया था अपनी रिलीज डेट से पहले, और मूवी को सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं रिलीज होने के लिए, और पूरे 24 घंटे भी नहीं है, लगभग 20-21 घंटे बचे हैं और कल 6 बजे से मूवी रिलीज हो जाएगी कुछ एक जगह पर और कुछ एक जगह पर 7 बजे से रिलीज हो जाएगी। तो ये मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है भाई, अनप्रिडिक्टेबल है। फिलहाल के लिए आंकड़ा अजम्पशन ये सेट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन ये सेट कर सकते हैं कि ये मूवी लगभग में लगभग 20 करोड़ तो अपने खाते में ले ही आएगी एडवांस बुकिंग से, और ये बहुत बड़ा नंबर है। ओपनिंग कैसी रह सकती है? तो भाई अभी देख कर लग रहा है कि ये
वर्ल्ड वाइड कल ओपनिंग रह सकती है इसकी लगभग में लगभग 80-85 करोड़ और नेट इंडियन कलेक्शन ये मूवी लगभग में लगभग 50-55 करोड़ के आसपास ईजिली निकाल जाएगी, जिसमें से हिंदी का मेजॉरिटी ऑफ कलेक्शन रहेगा लगभग 52 या 53। अगर ये 55 करोड़ जाती है तो 52-53 करोड़ हिंदी से ही रहने वाला है, हिंदी लैंग्वेज में फाड़ रही है और ज़बरदस्त फाड़ रही है। तो आपकी क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है कल ओपनिंग कैसी रहेगी इस मूवी की, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।